नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। आज मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी में एक ओर जहां टिकट बंटवारे के बाद भीतरघात की संभावना बढ़ी, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सांसद और विधायक भाग रहे हैं। वहीं एक बात और मैं आपको बताऊं कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर, जो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे और भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और दो तीन बार मुख्यमंत्री गोवा के बने, वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी देहांत हो गई और सारे दल के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। और दूसरी ओर यह एक क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि मनोहर पारिकर अब नहीं रहे। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का टिकट भाजपा ने भागलपुर से काट दिया और कहा जा रहा था कि उन्हें पूर्णिया में या अररिया में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को अररिया से भी बेटिकट कर दिया गया। भागलपुर से उन्होंने दो बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान उम्मीदवार के रूप में, मुसलमान नेता के रूप में एक नौजवान नेता भारतीय जनता पार्टी में थे शाहनवाज हुसैन, जिन्हें संसदीय बोर्ड के मेंबर होने के बावजूद उन्हें भागलपुर से टिकट नहीं दिया गया और वहां जदयू को वह सीट दे दी गई। 14 में भाजपा की लहर, मोदी लहर में उन्होंने वहां से चुनाव नहीं जीता और बुलो मंडल राजद के जीत गए, ऐसा प्रतीत होता है। इसी कारण से भागलपुर से टिकट नहीं दिया गया। चर्चा जोरों पर थी कि अररिया में राजद के तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज सांसद उपचुनाव में जीतकर बने और पहले विधायक थे, उसी स्थान पर शाहनवाज हुसैन को भेजा जाएगा, लेकिन वहां से भी उन्हें टिकट नहीं दी जा रही है, यह सूत्रों की जानकारी सूत्रों से मिली है। वहीं आपको मैं बताऊं कि असम के पूर्व सांसद शर्मा जी, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं और 29-30 साल से भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्हें भी बेटिकट कर दिया गया और उन्होंने विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं नागालैंड में करीबन 25 विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष ने कंप्लीट रूप से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। और मैं आपको बताऊं कि 100 ऐसी सीटें उत्तर भारत में है जिस पर कांग्रेस बहुत ही कम मत से हारी थी, वहां कांग्रेस जबरदस्त मेहनत करना प्रारंभ कर दिया है और वहां भाजपा जीत गई थी, कांग्रेस हार गई थी। 100 सीट मायने रखता है। और मैं आपको बताऊं कि कल उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने घोषणा किया कि मैं जहां से मायावती लड़ेगी वह सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव सहित कुछ लोगों का नाम है जहां से मैं अपना उम्मीदवार नहीं कांग्रेस खड़ा करेगी। और अजीत सिंह और अजीत सिंह के बेटा दुष्यंत सिंह के चौटाला के खिलाफ भी खड़ा नहीं किया जाएगा। यानी कि महागठबंधन की राह आसान होती जा रही है, एक दूसरे में एडजस्टमेंट है। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं। झारखंड में माले, कम्युनिस्ट जितने भी दल हैं, सारे लोगों को मिलाकर महागठबंधन में शामिल कर लिया गया है ताकि वहां की लड़ाई भी ढंग से लड़ी जाए। और अगर वहां कम्युनिस्ट महागठबंधन में शामिल होती है तो भाजपा के लिए सरदर्द साबित होगा। मैं बता रहा था आपको कि भागम भाग का दौर जारी है,
टिकट बंटवारा के बाद और टिकट कटने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा होते होते भारतीय जनता पार्टी टूट के कगार पर आ चुकी है। कई लोग भाग रहे हैं, कई लोग भागेंगे, कई जगह पर भीतरघात का भाजपा को सामना करना पड़ेगा। 14 की तरह लोकप्रियता नहीं है, अब लोकप्रियता की कमी भी आई है और कमर कस चुकी है महागठबंधन और कांग्रेस के हर परिस्थिति में टक्कर भाजपा से लिया जाएगा। चूंकि जनता करा रही है, जनता भी नए तलाश में है, तलाश जनता की अब वोटिंग के समय खत्म होगी। मैंने आपको कहा कि शाहनवाज हुसैन वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और उन्हें महत्व दिया जाता था कि मुस्लिम मतदाता के लिए वो एक पिक्चर थे, उन्हें प्रताड़ित किया गया, भाजपा में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जबकि वो डिबेट वगैरह में आते हैं, उन्हें संसदीय बोर्ड का मेंबर बना रखा गया है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस टिकट नहीं देने से साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा में मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है, मुसलमानों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, मुसलमानों को दरकिनार कर दिया गया। एक बिहार में मुसलमान नेता शाहनवाज हुसैन थे जिन्हें टिकट से बेटिकट कर दिया गया। दोस्तों, हमने आपको बताया था पूर्व में कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी, कार्यक्रम था, उससे जनता नाखुश है, पार्टी के लोग भी नाखुश हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पर पूरा भाजपा केंद्रित हो चुका है, वहीं से बटन दबता है फिर काम होता है। ऐसी परिस्थिति में नेतागण घुटन महसूस करना है। बिहार में शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को निकाला गया, कीर्ति आजाद को निकाला गया, पप्पू सिंह को निकाला गया, दर्जनों लोगों को भाजपा से दरकिनार किया गया, क्योंकि वो वाजपेयी और आडवाणी के समय के नेता थे। जो लोग वाजपेयी आडवाणी के संपर्क के नेता थे उन्हें हटा दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिया गया, पता नहीं उन्हें टिकट मिले ना मिले, पिछले बार बड़े कष्ट के साथ दिया गया था। मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया गया, कलराज मिश्र को साइड कर दिया गया। पूरे भारत में भाजपा के जो पुराने साथी थे उन्हें दरकिनार करके नए लोगों को लाया गया जो मोदी एंड कंपनी में शामिल है। शाहनवाज हुसैन भी वाजपेयी और आडवाणी के वफादार थे, उसी का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा, इन्हें बेटिकट की गई। दोस्तों, भागम भाग लगा हुआ है, भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखी जा रही है। सर्वे रिपोर्ट यह बताती है कि भाजपा की लोकप्रियता घटी है और भाजपा इस 19 के चुनावी लहर में कांग्रेस और महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकेगी। स्लोगन तरह तरह का बनाया जा रहा है, स्लोगन पर भी विपक्षी ने तंज कसा है। तरह तरह के स्लोगन से अब आम जनता लुभावना में नहीं फंसने वाली, आम जनता अब भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, भाजपा को गद्दी से उतारने का मन जनता ने बनाया है, ऐसा सर्वे बता रहा है। बहुमत की ओर भाजपा नहीं जा पाएगी, ऐसा सर्वे है। अब देखना है कि क्या होता है, जनता मालिक, जनता जिसको मत दे, स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।